स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव है ब्रो। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल VPN एंड ट्रांसलेटर एप्लीकेशन के बारे में। अब इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या क्या फायदा हम उठा सकते हैं और क्या क्या इसका रिव्यू है, सारी चीजें मैं आपको अपनी इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कैसे इसको यूज करने का, इसका सही तरीका क्या है और क्या क्या काम में आता है। बात करें रेटिंग पॉइंट की तो 3.4 है और 50,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। 14 दिसंबर 2022 को लॉन्च होने के बाद उसी दिन ये अपडेट भी हो चुका है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं और आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बता देते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, पहला होता है टेक्स्ट ट्रांसलेट, दूसरा होता है OCR, तीसरा होता है VPN। तो टेक्स्ट ट्रांसलेट की मैं बात करूँ सिंपली, तो यहाँ पर आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ना सिंपली यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना, जैसे मैं इंग्लिश को यहाँ पे हिंदी में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पहले मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकूं। तो इंग्लिश को मैं सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद बैक के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज चेंज करना है उस पर आप क्लिक करके चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं हिंदी सर्च कर लेता हूँ, हिंदी देख लेता हूँ, हिंदी मिल जाएगी मुझे यहाँ पर, तो हिंदी भी मिल गई है। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखूंगा हेलो, ठीक है गाइस, लिखूंगा हेलो हाउ आर यू। अब उसको नीचे साइड में ट्रांसलेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन एक जिप फाइल भी डाउनलोड होती है तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में नमस्कार क्या हालचाल है दोस्तों। साथ साथ हम यहाँ पे OCR भी कर सकते हैं, यानी कैमरा ट्रांसलेट, और एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे एक VPN का। तो सिंपली आप VPN का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली VPN को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है और रिमार्क करके फोटो कर दिया है। तो यहाँ VPN के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सिंपली एक बार, और VPN पे क्लिक करने के बाद मैं ऑटोमेटिकली सर्वर को आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे सर्वर भी कनेक्ट हो गया है और आपको ऊपर की साइड से VPN का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया है कैसे इसको यूज करना है, इसका क्या क्या फायदा हम उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।